हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जो हम आपके लिए लेके आते हैं इंडियाज़ बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं पाका की तरफ से आने वाली जॉटा सीरीज। तो गाइस, यहाँ पे जॉटा सीरीज के काफ़ी सारे पेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड आज हम आपको एक डिटेल रिव्यू में बताने वाले हैं कि ये पेन कैसे चलते हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पेन स्मूथ है या नहीं, एंड अल्टीमेटली क्या आपको ये पेन लेने चाहिए। तो गाइज़, हमारे पास यहाँ पे तीनों पेन्स आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका प्राइसिंग बता देता हूँ, इन कौन से मॉडल्स आते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा, ये है इसका स्टेनलेस स्टील मॉडल, एंड ये मेरा फेवरेट है पर्सनली। तो दिस इज जॉटा लंदन स्टेनलेस स्टील। इसका जो MRP है गाइज, वो पैकेट पे 380 लिखा हुआ है। इसके जो भी डिस्काउंटेड लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्टेनलेस स्टील वर्जन। एंड यहाँ पे देन आप देखेंगे तो हमको दो वर्जन और मिलते हैं। तो दिस इज द जॉटा क्लासिक। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड जॉटर आता है वो है, यहाँ पे आपको ऊपर स्टेनलेस स्टील का कैप मिलता है, इसका स्टेनलेस स्टील की क्लिप मिलती है, एंड नीचे जो बैरल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा कलर्ड मिलता है। इसका MRP अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 270 rupees में आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन यहाँ पे है, वो भी अगेन जॉटा क्लासिक ही है बेसिकली। तो इस टाइप का इसका बॉडी है, ऊपर यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का ऊपर कैप है, एंड ऊपर जो इसका क्लिप है वो गोल्डन कलर में आता है। ये भी स्टेनलेस स्टील है बट गोल्डन कलर है, गोल्डन एक्सेंट है। नीचे इसका बैरल ब्लैक कलर में है। इसका जो MRP है गाइस, वो 300 rupees में अवेलेबल है। तो जो जॉटा सीरीज आपको आती है वो बेसिकली पेन तो सारी बॉडी कंस्ट्रक्शन सबका सेम है, बस यहाँ पे आपको ये पूरा पेन स्टेनलेस स्टील में इस टाइप के डिज़ाइन में मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो इन दो पेन्स में यहाँ पे आपको इसका जो बैरल है वो कलर्ड मिल जाता है। ये बैरल आपको और भी कलर्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइस, इनको आप कर लेते हैं अनबॉक्स एंड देखते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ आ गया मेरे पास मेरा कटर, एंड से करते हैं अनबॉक्स। तो गाइस, ये तीनों पैकेट्स को रखते हैं साइड में, एंड ये हमारे पास हमारे पेन आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तीनों मॉडल अवेलेबल हैं गाइस। तो इस टाइप की कुछ हमको पैकिंग देखने को मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक बॉक्स है, ट्रांसपेरेंट केस है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, इसको ओपन किया तो यहाँ पे अगेन पाका की ब्रांडिंग है, एंड दिस इज़ द पेन। पेन को मैं निकालता हूँ गाइस। ओके, तो काफ़ी अच्छा ये हाथ में फील करता है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ, है ना। और ये इसका ऐसा रिट्रैक्टेबल सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साउंड है, एकदम लाउड। एंड यहाँ पे इसका स्टेनलेस स्टील का आपको कैप दिख रहा है। इसकी क्लिप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, पार्कर की जो आइकॉनिक क्लिप है ना, गोल्डन कलर में है, बहुत अच्छी लग रही है ये। देन नीचे आप देखेंगे इसका बैरल है। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं इन तीनों ही पेन्स की बिल्ड क्वालिटी की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो तीनों पेन्स है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, है ना। बट अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इसका स्टेनलेस स्टील वाला मॉडल देखते हैं तो ये बेसिकली आपको पूरा की पूरा मेटल में मिलता है, पूरा डिज़ाइन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो उसका जो क्लिप है ये गोल्डन एक्सेंट में, ये भी स्टील का है। तो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी प्रीमियम फील देता है, है ना। इसको आप अगर ऐसे पकड़ते हैं तो काफ़ी ये प्रीमियम लगता है। एंड अगेन, इसके बाकी के दो मॉडल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन वो मॉडल्स में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको कैप सेक्शन उनका स्टेनलेस स्टील का मिलता है, बट नीचे बॉटम प्लास्टिक मिलता है, है ना। बट हाई क्वालिटी प्लास्टिक है, पकड़ने में बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं आता है। पूरा पेन बहुत ही हाई क्वालिटी लगता है। एंड ऊपर आप क्लिप देखेंगे तो मुझे पर्सनली ये ब्लैक वाला ज़्यादा पसंद आया, इसका गोल्डन क्लिप मुझे बहुत पसंद आया। एंड यहाँ पे आपको एक सिल्वर क्लिप देखने को मिलता है। तो फॉर 270 300, एंड ये आपको देखने को मिल जाता है 380। तो बेसिकली ये वाला सबसे ज़्यादा महंगा है, एंड डेफिनेटली गाइस कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये वर्थ इट भी है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है देखने में। अगर इनको मैं ओपन करके आपको बताऊं तो ये अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। इनको मैं ओपन कर देता हूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है पाके की तरफ से आने वाली क्विंक फ्लो रिफिल। तो इसका जो स्पेसिफिक मॉडल है वो है 0.8F। अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो आपको पाके की तरफ से एक ऐसा रिफिल का पैकेट भी देखने को मिलता है, तो ये आपको 80 rupees में यहाँ पे मिल जाता है। तो इसका MRP पीछे आप देख सकते हैं 80 rupees लगा हुआ है। तो इनके जो भी लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मैं डेफिनेटली डाल दूंगा। तो ये था हमारा पेन। तो दोनों ही भैया बहुत अच्छे मेटल से बने हुए हैं, तो काफ़ी हाई क्वालिटी पेन मुझे यहाँ पे लगा। तो गाइस, ये तीनों ही पेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड पर्सनली ये वाला मॉडल मुझे बहुत एलिगेंट लगा। अगर आप इसको ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो अगर आप अपने ऑफिस शर्ट में रखते हैं या सूट में रखते हैं, तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट यार। अगर आप कहीं भी इसको लेके जाएंगे ना, तो डेफिनेटली इट विल ऐड समथिंग टू योर वैल्यू। ओवरऑल अपीयरेंस में ये बहुत कुछ ऐड करने वाला है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देख लेते हैं गाइस इसको चला के कि लिखने में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है एक नोटबुक। तो यहाँ पे 70 GSM एक नोटबुक है, इसमें मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तीनों में सेम रिफिल है, तो राइटिंग विल बी सेम, ठीक है। रिफिल सेम है क्योंकि सब में, तो इसलिए हम कुछ लिख के देख लेते हैं। ओके, हेलो एवरीवन। ओके,
तो गाइस ये पेन अच्छा चल रहा है ना, काफ़ी मुझे स्मूथ लगा चलने में। दिस इज पार्कर जॉटा। ओके, इसका स्मज टेस्ट हम करके देख लेते हैं गाइस। इसका स्मज टेस्ट हमने किया तो गाइस ये इंक अगर आप ज़रा ज़्यादा तेज़ करते हैं तो हल्का सा बस स्मज होता है, बाकी लिखने में काफ़ी मुझे पेन स्मूथ लगा। एक जो पॉइंट है गाइस मैं हाईलाइट अगेन करना चाहूँगा वो ये है कि इसका यहाँ पे आप जो ग्रिप देख रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा थिन है, तो अगर आप ऐसी ट्राइंगुलर ग्रिप में लिखते हैं तो आपको थोड़े टाइम लिखने के बाद ना हैंड फटीग डेफिनेटली होने वाला है। तो लॉन्ग राइटिंग के लिए गाइस मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आपको एक ऐसा पेन चाहिए कि जैसा ऑफिस में यूज़ होता है, नॉर्मल टिक कर दिया, चेकआउट कर लिया, नॉर्मल सिग्नेचर कर दिया, तो उसके लिए दिस पेन इज़ वेरी गुड। बट फॉर नोट टेकिंग जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लिखना हो और अगर आपको इस पतली ग्रिप की आदत नहीं है तो आपको एक बार इस पर रीथिंक करना होगा। बाकी अगर आप पतली ग्रिप से लिख सकते हैं देन दिस इज़ एक्सीलेंट क्वालिटी गाइस। हम इस पर हमारे हाईलाइटर को एक बार और टेस्ट करके देख लेते हैं। वैसे तो बॉल पेन हाईलाइटर फ्रेंडली होती है मैक्सिमम, बट अगेन इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ लिख लेता हूँ अगेन, तो हाईलाइटर टेस्ट। ओके, देन इसको गाइस यहाँ पे मेरे पास एक स्टेबिलो की तरफ से आने वाला हाईलाइटर, स्टेबिलो बॉस, तो इससे मैं इसको हाईलाइट करके देखता हूँ। ओके, तो गाइस काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया है एंड यहाँ पे किसी भी तरह की स्मेयरिंग मुझे देखने को नहीं मिली है। तो अगेन ये पेन हाईलाइटर पे भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू फॉर द पार्कर जॉटा सीरीज। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है गाइस कि अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो आप ऑफिस ले जा सकें, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ज़्यादा नोट्स वगैरह नहीं लेते हैं एंड आपको बस कन्वेंशनल यूज़ के लिए पेन चाहिए और जो थोड़ा सा अपीलिंग भी हो, देन डेफिनेटली गाइस लुक नो वेयर। ये जो वैल्यू एड करेगा ना आपके अपीयरेंस में, इट इज़ गोना बी इनक्रेडिबल। एंड स्पेशली ये जो स्टेनलेस स्टील वाला मॉडल है विद गोल्डन क्लिप, दिस लुक्स अमेजिंग। मैं पर्सनली भी कहीं पर लेके जाता हूँ फॉर ऑफिशियल वर्क, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, देखने में बहुत एलिगेंट लगता है। इवन लोग दो बार देखते हैं कि यार ये पेन कौन सा है। तो डेफिनेटली अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो दिस पेन इज़ हाईली रिकमेंडेड, बट अगर आप एक स्टूडेंट है नोट्स लेना चाहते हैं देन दिस पेन इज़ अ थिंकेबल ऑप्शन। तो आपको थोड़ा सा उस पर सोचना पड़ेगा कि बाकी सारे फैक्टर जो मैंने बताया आपको एक बार कंसिडर करने पड़ेंगे। तो गाइस इसके बाद हम रिव्यू आपके लिए लेके आने वाले हैं ये और भी जो पेन्स है, जैसे हमारे पास है पार्कर का फोली, देन वी हैव वेक्टर स्टैंडर्ड, इसके रिट्रैक्टेबल वर्जन आते हैं, देन फ्रंटियर GT। तो इन सब के रिव्यू भी गाइस आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो जिससे आप ये वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमें DM कर सकते हैं, हैंडल है स्टूडेंट ऐड, ये नीचे दिख रहा होगा आपको। मैं मिलूंगा गाइस अपकमिंग वीडियोस में और अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।